हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ग्रुप सी एंड डी के रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन है यहाँ पे निकल के आया है। आज की इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो वैकेंसीज आया है, अगर आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे 10th एंड 12th करने वाले भी एप्लीकेशन कर सकते। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कौन कौन सी जगह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते और कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल के आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे वैकेंसीज जो है यहाँ पे निकल के आए और इनमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जो फर्स्ट पोस्ट है एक्सरे स्पेशलाइज्ड, उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर और रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जू में, वेटरनरी ऑफिसर, सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, व्हीकल इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, एनिमल हस्बेंड्री सुपरवाइजर एंड फायरमैन। तो यहाँ पे इतना सारा जो है वैकेंसीज निकल के आया, जिसमें कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। एंड अगर बात किया जाए वैकेंसीज की, तो टोटल यहाँ पे 320 वैकेंसीज भी यहाँ पे निकल के आया है। सैलरी की अगर बात किया जाए, 20,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको सैलरी 20,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद आता है अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे क्लियरली बता दिया जा रहा है, वो है आपको रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, एंड इसके साथ साथ आपको जो इंटरव्यू है उसको भी आपको देना होगा अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों क्लियरली आपको पता चल चुका है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आता है आपका जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन की अगर बात किया जाए, पुणे महाराष्ट्र में आपको जॉब लोकेशन रहने वाले हैं अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो 18 से 45 इयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्शन भी आपको मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो बेसिकली एज रिलैक्शन की अगर बात किया जाए तो SC/ST के लिए 5 ईयर एंड OBC के लिए 3 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्शन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे दिया गया है, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो ध्यान में रखिए एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जनरल एंड OBC के लिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ एंड SC/ST के लिए 900 रुपीज़ तक एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस ये रखा गया है, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो इसको आपको देना पड़ेगा। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे वैकेंसीज है, तो यहाँ पे भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से दिया गया है। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा, जिसका फॉर्म मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस फॉर्म में जाके फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन को कर सकते हो। तो एप्लीकेशन चलने वाला 28 मार्च 2023, उससे पहले आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।